हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि जो आप लिखा हुआ है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे आप लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो वीडियो आज हमारा इसी टॉपिक पे होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कैसे करें। अगर आपका आधार कार्ड के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप अपने मोबाइल से आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा, यानी कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपना पैन कार्ड अपने आधार कार्ड से अभी लिंक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप अपना जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, जो आप ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल में तो उसमें आना है आपको। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र या फिर आप जो भी जिससे नेट चलाते हैं उसमें आपको आना है। तो मैं क्रोम ब्राउज़र यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। आपको यहाँ पे सर्च करना है, ऊपर लिखना है PANAADHAR आधार लिंक, पैन आधार। जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पैन आधार मैंने जैसे ही सर्च किया यहाँ पे लिख के आ रहा है लिंक आधार कार्ड इनकम टैक्स, से ऊपर ही लिख के आ रहा है। तो आपको इस पर जो है टच कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो इनकम टैक्स की जो है ऑफिशियल साइट खुल गई है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है ई फिलिंग, इनकम टैक्स की जो है ऑफिशियल साइट यहाँ पे खुल चुकी है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो है ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ लिख के आ रहा है होम डाउनलोड न्यूज़ एंड अपडेट लिंक आधार। यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे तो आपको स्टेटस भी, अगर आप कर चुके हैं तो आप यहाँ से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आपको आपका जो पैन नंबर होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे लिख के आ रहा है पैन आधार नेम एज पर आधार आई हैव ओनली ईयर बर्थ इन आधार। तो सबसे पहले अपन को यहाँ पे जो है आपके पास जो पैन कार्ड होता है, जो आपका पैन कार्ड होता है उसका जो नंबर है आपको यहाँ पे डाल देना है। पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर उसका दूसरा नंबर आता है आधार कार्ड का, आधार कार्ड का जो नंबर है वो भी आप यहाँ पे डाल देंगे। आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पे डालने के बाद आपको नीचे बोल रहा है नेम एज पर, जो आपका नाम आधार कार्ड में जिस तरीके से लिखा हुआ है वो आधार कार्ड यहाँ पर आप जो नाम डाल देंगे। और नीचे एक चीज़ और बोल रहा है दोस्तों कि आई हैव ओनली ईयर, यानी अगर आपके आधार कार्ड में सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो इसलिए आप यहाँ वाले बॉक्स पे क्लिक करें। अगर आपके में पूरा ईयर और डेट, यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी लिखा है उसमें, यानी कि डेट लिखी है बीच में महीना भी लिखा है और ईयर भी लिखा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। सिर्फ आपके में अगर मान लीजिए जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 13/1/92, तो सिर्फ अगर आपके में 92 लिखा है यानी 1992, तो आप 92 वाले यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपका पूरा लिखा है तो आपको यहाँ क्लिक नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे करना है आई हैव एग्री टू वैलिडेट माई आधार, और यहाँ जो कैप्चर जो कोड डाला हुआ है उस कोड को डाल के आपको यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड जो आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP जाएगी, और OTP यहाँ डालने के बाद आपको आगे बढ़ा देना है। दोस्तों मेरा ऑलरेडी लिंक है तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड यहाँ से आप लिंक कर लें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझको। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बाजू में घंटी के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।